नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, बहुत बड़े इंतजार के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपको बता दें कि इसकी एमपीपीएससी का ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 दिसंबर 2019, और जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है ये 12 जनवरी 2020 को है। तो आपको बता दें कि फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार एमपीपीएससी की मेन साइट से नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें, उसके बाद ही फॉर्म डालें। तो चलिए, हम लोग एमपीपीएससी का एक बार पैटर्न देख लेते हैं। इस लेक्चर में आप लोगों को बता दें, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम एमपीपीएससी 3 चरणों में होता है, ठीक है। प्री, फिर है अपना मेंस लिखित, और फिर है अपना इंटरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्री एग्जाम को देखते हैं, प्रीलिम्स को। इसमें दो पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन पहला और फिर दूसरा सी सेट या सामान्य अध्ययन सेकेंड। तो आपको बता दें, ये ऑब्जेक्ट टाइप के होते हैं दोनों पेपर प्रारंभिक परीक्षा के। इसमें ऑब्जेक्ट वैकल्पिक होते हैं, और इसमें दोनों पेपरों में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और टोटल 200 नंबर का एक पेपर होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और आपको पता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है एमपीपीएससी में, ठीक है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अब नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन एमपीपीएससी में अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो याद रखिए, जो पेपर पहला होगा हमारा सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा में, वो 200 नंबर का रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 202 नंबर का रहेगा, और पेपर जो सी सेट है ये भी 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसके लिए टाइम रहेंगे 2 घंटे, ठीक है, 120 मिनट। दोनों पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, ठीक है, भाषा में। आपको बता दें, जो पेपर फर्स्ट होता है प्रारंभिक परीक्षा का, इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, और हम लोग मेंस लिख पाते हैं, लिखित परीक्षा में पहुंच पाते हैं। जो सी सेट होता है ये क्वालिफाई होता है, मतलब इसमें 40% या SC ST OBC को 30% नंबर चाहिए होते हैं। सी सेट में हमें क्वालिफाइंग एक जरिया होता है, मतलब कि मिनिमम नंबर इतने 30% चाहिए होते हैं, ठीक है। और जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट है, इसी के आधार पर हमारा मेंस में पहुंच पाते हैं, लिखित परीक्षा दे पाते हैं, ठीक है। अब चलिए मेंस की बात कर लेते हैं हम लोग, लिखित परीक्षा की। दूसरा चरण है हमारा लिखित परीक्षा, ठीक है। तो आपको बता दें, इसमें 6 पेपर होते हैं। पेपर जो फर्स्ट है ये है जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, ये 3 घंटे का होता है, और नंबर होते हैं इसके मार्क्स 300। फिर पेपर सेकंड है, जो जनरल स्टडीज सेकेंड या सामान्य अध्ययन सेकेंड, ये 3 घंटे का रहता है, 300 नंबर का रहता है। पेपर थ्री सामान्य अध्ययन तृतीय, ये 3 घंटे का रहता है, 300 नंबर का रहता है। जनरल पेपर फोर स्टडीज फोर पेपर, ये 3 घंटे का रहता है, लेकिन ये 200 नंबर का रहता है, ठीक है। 1, 2, 3 पेपर हैं जो शुरू, ये 300 नंबर के रहते हैं, लेकिन चौथा पेपर 200 नंबर का रहता है। फिर है अपने जनरल हिंदी, ये 2 घंटे की समय मिलता है इसके लिए, और 200 नंबर का रहता है। फिर है ऐसे राइटिंग, मतलब निबंध, ये 2 घंटे का रहता है, 100 नंबर का रहता है, ठीक है। टोटल हो गए अपने 1400 नंबर, ठीक है। फिर है अपना इंटरव्यू, 175 नंबर का इंटरव्यू है, 175। तो टोटल कितने हो गए अपने, 1500
टोटल हो गए अपने 1575, यानी कि 1400 मेंस के, 175 हमारे इंटरव्यू के। तो इस ये जो 1575 हैं, इन्हीं के आधार पे हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी और अंतिम रूप से हम सिलेक्ट हो पाएंगे, हमें कौन सा पद मिलता है इसी पर निर्भर करता है। जो प्रारंभिक परीक्षा है हमारी, वो केवल छटनी के लिए होती है, मतलब कि ज़्यादा लोग देते हैं प्रारंभिक परीक्षा तो कम लोग पहुंच पाते हैं लिखित परीक्षा में, उसी के लिए कि इनको बाकी जो आलतू फालतू के हैं जिन्हें बोला जाए तो वो निकल जाए और मेन परीक्षा में वही लोग बैठ पाएँ जो इस पेपर में इंटरेस्ट लेते हैं या जो इच्छुक हैं या तैयारी जो बेहतर करते हैं उन्हीं के लिए। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे अब इसका सिलेबस MPPSC का।